नमस्कार, मैं अरविंद राय और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9 की खास पेशकश सोच आपकी बोल हमारी में। अभी 5 राज्यों में चुनावी घमासान जारी है और आज हम लोग इसी मुद्दे पे चर्चा में रख रहे हैं कि आखिर कैसे घोषणा पत्र में जो बातें कही जाती है उसका पालन पार्टी द्वारा किया जाता है या नहीं किया जाएगा, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था कि जब भी चुनावी घोषणा पत्र जारी होता है तो वो घोषणा लागू होगा या नहीं होगा, क्या इसका दायित्व किसी के पास है या नहीं है। इसी क्रम में हमारी टीम चुनाव आयोग से RTI के तहत जवाब जानना चाहा और आप दंग रह जाइएगा जवाब सुन के जो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है कि किसी भी घोषणा पत्र पे चुनाव आयोग का नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि कैसे पार्टियां कुछ भी बोल के निकल जाए और उसके लिए कोई भी संस्था उस घोषणा पत्र पे काम नहीं करती है, यानी खुल्लम खुल्ला झूठ बोलने की आज़ादी है हमारे चुनाव पार्टी को। और अभी जैसे 5 राज्य में चुनाव चल रहा है, आपको मालूम है वहाँ पे कांग्रेस, BJP, बहुजन समाजवादी, चाहे जो भी पार्टी लड़ रही है, उन्होंने घोषणाओं का अंबार लगा दिया है। लेकिन सोचने की बात है, क्या ये घोषणा लागू हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है तो फिर इस घोषणा को जनता के सामने रखने का क्या औचित्य है। अगर कोई भी चीज़ इस स्तर पर आके झूठ बोला जाए जिसका कोई देखने वाला नहीं हो, तो आइए समझते हैं कि वास्तव में चुनावी घोषणा होता क्या है। जो भी मंच से पार्टियों द्वारा बोला जाता है वो घोषणा सही नहीं होता है, क्योंकि उसकी कोई आकलन करने वाले हमारे देश में कोई संस्था बना ही नहीं है। हम लोग अभी तक अंधविश्वास में थे कि चुनाव आयोग इस पे देख रेख करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा ये जवाब आया कि हमें इस पर कोई अधिकार नहीं है, तो अब सोचने की बात आई कि आखिर जनता जनार्दन करे तो क्या करे। सोचने की बात है, आप सोचिए, क्योंकि आपके सामने झूठ बोला जा रहा है और वो झूठ लागू होगा नहीं होगा ये देखने के लिए चुनाव आयोग अपनी हाथ खड़ा कर चुके हैं। तो अब तो सवाल ये आती है कि जो पार्टियां जो चुनाव में जो घोषणा करती है वो लागू करे या ना करे, ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। तो जब ये बात उनकी मर्जी पर निर्भर करता है, तो फिर हम अपना जो मत देते हैं वो मत 5 साल के लिए होता है, और फिर अगर वो घोषणा ही बन के रह जाए तो फिर हमारा अधिकार तो फिर 5 साल के बाद आएगा। इसलिए सोचने की ज़रूरत है कि पार्टियां अगर झूठ बोलती है तो आखिर इसका हम लोग निष्पादन कैसे करें। क्या कोई संस्था बनेगी, क्या देश में कोई ऐसा संस्था बन रही है, या किसी के पास कोई मोहलत है ये इस बात को पूछे चुनाव आयोग से कि आखिर इस तरह की झूठ की खेती अगर की जा रही है तो आखिर इस पे कैसे अमल किया जाए। नहीं, सरकार की ओर से आए दिन आ रहा है कि फेक न्यूज नहीं चलेगा, फेक न्यूज पे कोई ना कोई संविधान में विधेयक ला के उसको रोकने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, अगर इस तरह की बात अगर पार्टियों पर भी लागू किया जाए कि आप भी कोई फेक न्यूज या घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं उनके लिए तो फेक न्यूज वही है, अगर नहीं दे सकते इसकी भी कोई तैयारी हो सकती है कि नहीं, ऐसा अभी तक किसी ने ये मुद्दा उठाया ही नहीं। लेकिन सोचना पड़ेगा, हम लोगों को ही सोचना पड़ेगा कि घोषणा पत्र जो बोले उस पर अमल किया जाए, कम से कम हम जनता को मूर्ख न बनाया जाए, इससे हम लोग को आगे निकलना पड़ेगा। और कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक स्वागत है फिर से बिग न्यूज 9 में आप लोगों का। तो आइए हम लोग कुछ पुरानी यादें को ताज़ा करें, जैसे 2014 का लोकसभा चुनाव, 2015 का विधानसभा चुनाव, कौन सी पार्टी क्या घोषणा में और क्या बोला था? और चूंकि उस समय भी वही पार्टी चुनाव लड़ रहे थे और अभी भी वो पार्टियां चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो जो चुनाव में उन्होंने वादा किया था, क्या ये 5 साल में वो लागू हो पाया या नहीं हो पाया,
ये आपका आकलन का चीज है और आप इसको जरूर देखें कि 2014 के लोकसभा में जो पार्टियां घोषणा की और जो आज सत्ता में है, क्या वो घोषणा के अनुसार काम किया या नहीं किया, ये तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप स्वतः इस पे आकलन करें, फिर अपने मत का प्रयोग करें। चूंकि एक झूठ अगर लागू नहीं हुआ और फिर से झूठ, इसका मतलब आप मूर्खों की श्रेणी में डाले जा रहे हैं। नहीं, अगर एक बार कोई हमें मूर्ख बना सकता है, लेकिन हम बार बार किसी के मूर्ख वाली बात में नहीं फंसेंगे। हम लोगों को अभी सोचने के लिए वक्त है कि पुराने चुनाव में जो घोषणा हुई उसका आकलन करें और फिर देखें कि अब कौन सी पार्टी को अपना मत दें। क्योंकि याद रखिए, एक बार आप अपना मत दे देंगे तो फिर 5 साल के बाद ही आपको वो अधिकार प्राप्त होगा। इसलिए 5 साल तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत सोचने समझने की जरूरत है। कभी भी एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, उस पर मोहर नहीं लगनी चाहिए। ये हम लोगों की अपनी समझ होनी चाहिए, क्योंकि पार्टियां तो आती रहेगी, नेताएं आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पार्टी एक दो है, हजारों संख्या में राजनीतिक पार्टियां रोज बन रही है। कितनी पार्टियां टूट रही है, क्षेत्रीय, राष्ट्र, बहुत सी पार्टियां हैं। लेकिन हमारा आकलन जो होना चाहिए वो देश हित में, समाज हित में होना चाहिए, न कि किसी के झूठ पे होना चाहिए। ये हम लोग की सोचने की बात। और भी बहुत सी बात होगी अगले एपिसोड में, और भी बहुत सी बात होगी। तो चलिए, मैं अरविंद राय, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड सोच आपकी बोल हमारी में। तब तक दीजिए इजाजत, अरविंद राय को नमस्कार।